रेलवे विभाग कोहरे के आने से पहले दावे करता है कि इस बार कोहरे में ट्रेन को लेट नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन विभाग केवल इंजन में लगाए जाने वाला जीपीएस के सहारे ही ये दावे करता है, जो पूरी तरह से फेल हो चुका है। रेल विभाग कोहरे से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं करता, जिसका खामियाजा बेचारे यात्रियों को भुगतना पड़ता है। कोहरे के कारण आज भी अम्बाला पहुंचने वाली ट्रेन कई कई घंटे देरी से पहुंच रही हैं और कुछ ट्रेनें तो को भी रद्द किया गया है, जो कि लंबी दूरी की हैं। लंबी दूरी पर जाने वाले यात्रियों को इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। कोई यात्रियों को बस द्वारा लंबा सफ़र करने को मजबूर होना पड़ा। अम्बाला से गया जी जाने वाले यात्री विक्रम व जयराम ने बताया कि वे अम्बाला स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ट्रेन कैंसिल है। उन्हें बताया कि अब उन्हें दिल्ली तक बस में ही जाना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन पर कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नए डीआरएम के आने के कारण उन्हें मना कर दिया गया है। डीआरएम ने जब फ़ोन द्वारा बात करना चाहा तो उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। अम्बाला से कृष्ण बाली, आज़ाद टीवी न्यूज़। कहाँ से कहाँ जाना था, क्या यहाँ पे क्या आके क्या पता लगा? अम्बाला से दिल्ली अम्बाली से गया जाना था, तो यहाँ आए तो यहाँ तो नेट पर तो सही बता रहा था कि इतने बजे ट्रेन, यहाँ तो आए तो कैंसिल बता रहा है, ट्रेन है ही नहीं है? कैंसिल का कोई कारण ही नहीं बता रहे, कोहरा वोहरा है इसी वजह से। जरम कोहर। कहाँ जाना है आपको? गया। क्या समस्या आ रही है? ट्रेन कैंसिल है। कौन सी ट्रेन थी आपको, क्या वहाँ से? कालका था। क्या बता रहे हैं? कैंसिल है। कैंसिल पर कोहरा है, खारा कोचौली में जाना था मुझे, दिल्ली जाना था, गाड़ी लेट है मेरी बहुत ज़्यादा, अब वेट तो करना पड़ेगा। जैसे कि देखो वेट तो ना कोई लास्ट मिनट हुई है ना कुछ हुई है। दो गाड़ियाँ कैंसिल है, दो तीन वैसे ही रद्द हो गई। चार वैसे बंदा, वो चार बंदा है और ये अकाल तख्त है, वो रद्द हो गई आज। एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियाँ रद्द है? हाँ इतने हैं सब।